हमारे भाई ऑलराउंडर है, ऐसे हमने आपको ऑलराउंडर देखा माशाल्लाह, बहुत ही आउट क्लास जैसे हमने देखा। अभी आप कैसा देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी टीम नीदरलैंड गई है, इसके बाद एशिया कप भी पाकिस्तानी टीम जाएगी, तो आप समझते हैं कि जो मुश्किल शाह पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक जो लड़का पाकिस्तान से खेल रहा है उसने कोई ना कोई तो परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से खेल रहा है, और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, सिर्फ ऑलराउंडर्स के साथ नहीं पूरी पाकिस्तानी टीम के साथ। आई थिंक हमें एज अ पाकिस्तानी यही चाहते हैं हम कि पाकिस्तान जीते और टूर्नामेंट में आगे जाए और एशिया कप जीते। सो आई थिंक हमारे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं जीतने के। एशिया कप आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच है, तो क्या तवक्कोआत हैं और कैसा देख रहे हैं? देखें तवक्कोआत एज अ पाकिस्तानी हमें जीतना चाहिए और हम इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, तो यही उम्मीद है कि हम लोग फिर से इंडिया को हराएं और एशिया कप जीतें। अच्छा इमाद भी ये बता दीजिएगा, सारी टीमें यहाँ पे अगर देखा जाए, रावला कोट बॉक्स और जम्मू जानवर, ओवरऑल साइड्स काफ़ी एक तगड़ी सफर की जा रही है, आप कौन सी एक यूनिक स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे आप अपनी टीम को विनिंग पोजिशन तक ले जा सकते हैं? देखें ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, आई थिंक जो ऑन द गिवन डे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सो आई थिंक सारी टीमें बराबर हैं, अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, आगे जाके टूर्नामेंट में पता लगेगा जिस टीम का मोमेंटम ज़्यादा अच्छा है वो टीम आई थिंक थ्रू करेगी। अभी आवाम बहुत मायूस है आपको दोबारा टीम में देखने के लिए, तो लग रहा है कि जल्द से जल्द आप कमबैक करेंगे? बिल्कुल कमबैक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, ये तो अप्स एंड डाउन तो हिस्सा है क्रिकेट का और आपके करियर का। अगर आप इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाएंगे तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। आई थिंक मैंने प्राइड और डिग्निटी के साथ सर्व किया पाकिस्तान को और मैं आज से 5-6 साल तक खेलूंगा और इंशाल्लाह और सर्व करूंगा पाकिस्तान को। अच्छा लाखों लोग जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त ग्रीन टीम के अंदर, तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपका वापसी आएंगे? बहुत ज़्यादा मदद है इस वक्त, आप रैंकिंग में भी उसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर आप पहले थे, उनके लिए क्या बोलेंगे? कोई मसला नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, जब अल्लाह ने चाहा तो होगा, अल्लाह रास्ते वसीला खुद बना देता है। सो कोई टेंशन इस चीज़ की नहीं है, जब लिखा होगा आ जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, सो अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा आपको बताया कुछ मैनेजमेंट ने कि आपने इसके ऊपर अभी काम करना है, ये रोल करना है, हम आपको इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता, वो मैंने काफ़ी कर चुका हूँ इस बारे में, नो कमेंट्स। इसी हमारे साथ मौजूद हैं इमाद भाई, केपीएल चल रही है, एक मैच जीते हैं एक मैच हारे हैं, पहली बात तो कैसा एटमोसफेयर है अब तक केपीएल का और कितना इन्जॉय कर रहे हैं? ज़बरदस्त एटमोसफेयर है, आई थिंक लास्ट ईयर भी खेला था, मज़ा आया था और बहुत इन्जॉय किया, एटमोसफेयर, ग्राउंड कंडीशंस फेवरेबल हैं हमारे लिए, सो इंजॉय किया। हाँ जी एक मैच जीते एक हारे, लेकिन अभी टूर्नामेंट बहुत है। ठीक है, अच्छा बारिश हो रही है, बारिश की वजह से बड़ा अनसेटल सिचुएशन है, कभी मैच हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो इससे टीम का एक तो परफॉर्मेंस पे और फिर जो एक कॉम्बिनेशन आउट हो रहा है क्योंकि जा नहीं पा रहे कभी, तो फिर वो कितना इफेक्ट कर रहा है? प्रोफेशनल है हम लोग, बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में 5 ओवर 10 ओवर 20 ओवर जितने का भी मैच हो वो खेलने, सो ये प्रोफेशनलिज्म यही शो करता है, वेदर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सो इसमें मैं इस तरह कुछ नहीं कह सकता, नेगेटिव बात कोई नहीं है, लेकिन मैच खेलने आए हैं, होगा तो खेलेंगे, नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। ठीक है, मुजफ्फराबाद के लोग, मुजफ्फराबाद के स्टेडियम, ये कितना अच्छा है और लोग आपको देखने आ रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या कहेंगे? पिछले साल भी मैंने ये कहा था, आई थिंक डिज़र्विंग क्राउड है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर खेलने का, बहुत इंजॉय करते हैं, मीठे लोग हैं, सो मुजफ्फराबाद के लोग वैसे ही बहुत मीठे होते हैं और बहुत नरम दिल होते हैं, मेहमान नवाज़ बहुत अच्छे हैं, सो सारा पैकेज है ये।